हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं इस वक्त अपने घर पे आई हुई हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हर तरफ आदिपुरुष छाया हुआ है। तो मैं सोचा क्यों ना ये मूवी देखी जाए, लेकिन ये जहर मैं अकेले क्यों पीऊं जब आप लोग मेरे साथ हो। तो इसलिए हम साथ में देखेंगे ये मूवी, वो भी हम आदिपुरुष देखने वाले हैं टीवी में। मैं नहीं खर्च कर रही पैसे भाई इस मूवी के लिए, वो भी सिनेमा थिएटर में। ओके, मूवी स्टार्ट होने के 5 मिनट के अंदर ही इन लोगों ने आधी कहानी खा ली। सीता जी राम जी का बॉन्ड दिखा सकते थे उनकी शादी में। यही तो मेन गुण था राम जी का यार, कि पिता के वचन का मान रखने के लिए वो चले गए जंगल में बिना किसी से कुछ कहे। मतलब थोड़ा और इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। रावण के इस लुक पर भाई क्या बवाल मचा हुआ है। मचना भी चाहिए क्योंकि रावण इतना छपरी कब से लगने लग गया यार। बताओ ये कौन है, जो बताएगा उसे 1 करोड़ रुपए। ये ब्रह्मा जी हैं। किस चोर बाजार से ये ब्रह्मा जी को खरीद के लाए हो भाई? ब्रह्मा जी होमवर्क करके तो आए नहीं है। हिरण्यकश्यप का वरदान ये रावण को दे रहे हैं। ये वरदान हिरण्यकश्यप का था, ये रावण का नहीं है। क्या कर रहे हो यार राइटर्स, हिस्ट्री को बिल्कुल ही मिक्स मैच कर दिया है। क्या बना रहे हो ये मैशअप? रावण को ये वरदान था कि वो किसी देवता किसी असुर किसी से वो मर नहीं सकता, लेकिन उसने वानर और मानव का नाम नहीं लिया था क्योंकि उन्हें वो बहुत तुच्छ समझता था। वो तो सोचता था कि इनसे तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन इन्होंने आदिपुरुष वालों ने वरदान ही चेंज कर दिया। वाह भाई, राम जी सीता जी को भेज दिया गया जंगल। वो कहाँ रहते थे? क्या कहा, कुटिया में? चल, राम जी थे अयोध्या के होने वाले राजा, वो चले गए जंगल। जंगल का राजा कौन? शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो राम जी सीता जी लोग कहाँ रहेंगे? अरे गुफा में भाई। ये वाला सीन मुझे सच में अच्छा लगा है। ये अब मुझे समझ में आ रहा है, ये वाला जो सीन है ना, ये हैरी पॉटर वाला सीन राम जी को स्ट्रांग दिखाने के लिए बिल्डअप किया गया है। देखो ये जो VFX है ना, ट्रेलर में दिखाया गया था कि ये ऐसी बस गुब्बारे के जैसे फट रहा है, तो सबने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो इन्होंने क्या किया, वो जो गुब्बारे की तरह फट रहा था ना, उसमें लगा दिया ब्लू लाइट। लो, ना दिखेगा ना तुम क्रिटिसाइज कर पाओगे। रावण का ये वीणा वाला सीन बहुत अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन इसने वीणा को जो स्टाइल में पकड़ रखा है ना, ये वीणा कम और इलेक्ट्रिक गिटार ज्यादा लग रहा है। अभी लग रहा है इधर से ना वो फुलझड़ियां निकलेंगी। ये इन्होंने ना क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है, स्टैचू का मुंह हिला रहा है। जैसे जैसे रावण गाना गा रहा है वैसे वैसे स्टैचू मुंह हिला रहा है। बताती हूँ ये कैसा लग रहा है। वो इंस्टाग्राम पे एक फिल्टर नहीं आया था कुछ साल पहले या महीनों पहले, जिसमें फोटो में फिल्टर लगा दो तो फोटो बोल पड़ता था, मुंह हिलने लगते थे फोटोज के। यहाँ पे ये रावण भाई साहब का जो कॉन्सर्ट चल रहा था ना, उसी में आती है सुर्पनखा जी अपना कटा हुआ नाक लेकर। एक्चुअल रामायण में बड़ी सभा में आती है सुर्पनखा, लेकिन यहाँ पे इनके कॉन्सर्ट के बीच में आ गई है, जो ये मूर्तियों के बीच बैठकर कर रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस सीन में डायरेक्ट ही दिखा दिया गया है कि सुर्पनखा राम जी के पास गई थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये आई और सीता जी को जादू टोना करके एकदम भस्म कर दी। लेकिन चलो इसमें एक चीज अच्छी दिखाई है। अच्छी क्या, मतलब वही दिखाई है जो रियलिटी में है। सुर्पनखा जो है, जब वो नाक उसकी कट जाती है और वो अपने भाई के पास जाती है, तो रावण इसलिए नहीं सीता जी का हरण करने आता है कि वाह मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, बहन का नाक कैसे काट दिया, मैं उसका बदला लूंगा। नहीं भाई, वो जाके चुगली करती है कि अरे इतनी सुंदर कन्या सीता जी जंगल में राम जी के पास, उसको आपके पास होना चाहिए, इसलिए जाता है वो रावण। ये वाला सॉन्ग बहुत प्यारा है। इस वाले सॉन्ग में बहुत ज्यादा कोशिश की है डायरेक्टर ने प्रभास और कीर्ति के बीच केमिस्ट्री दिखाने की, उसमें कामयाब नहीं हो पाए बेचारे। वो हिरण जो बना हुआ था ये है वो, भाई क्या है ये? तो बुक के हिसाब से क्या हुआ था ना, कि जो ये वाले ये जो थे ना, ये थे राक्षस कुल के, लेकिन इन्होंने अपनी सारी बुराइयां छोड़कर ये साधु संत बन गए थे, तपस्या करते थे। लेकिन रावण आया और इसको बोला कि जाओ तुम हिरण बनके उसका ध्यान भटकाना। तब वो आता है और एक ये देख लो तुम, इकलौता सीन जिसमें रावण रावण लग रहा है सच में, वो यही वाला सीन है। बस होता क्या है कि बहुत कन्विंस करने के बाद फिर सीता जी निकलती है। अब श्राप खत्म होने से पहले ही वो भाग के आई थी कि नहीं नहीं साधु जी श्राप मत दीजिए आप। इसमें क्या हुआ, 2-4 बातें हुई है, वो मान गई, अच्छा आप नहीं आ सकते, अच्छा मैं आती हूँ, रुक जाओ आप। ये वाला जो सीन है ना, ये सीन यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सोचा मेकर्स ने, और फिर इसके बाद क्या सस्ती कॉन्ज्यूरिंग बना रखी है भाई। ये रहा मॉडर्न रावण का मॉडर्न पुष्पक विमान, सस्ता सा चमगादड़। हमने ट्रेलर में भी देखा था
जब फर्स्ट ट्रेलर आया था ना तभी भी देख के कहा था कि ये क्या है। इन्होंने 8 महीने का टाइम लिया था और उसके बाद भी क्या चेंज किया है, कुछ नहीं। इसमें ये भी दिखा दिया है कि किडनैपिंग करते वक्त राम जी लक्ष्मण जी अपनी आंखों से देखते हैं कि लो रावण लेकर भाग रहा है हमारी सीता मैया को। सोचने वाली बात ये है कि रावण को देखने के बावजूद राम जी और लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाते, बाण नहीं चला पाते। यार क्या दिखा रहे हो यार, अगर वो देख लेते ना सच में भाई वही के वही मार डालते रावण को। कभी ये बिल्कुल ही रियल दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी बिल्कुल ही कार्टून। सीता जी और जटायु जी के बीच में ना कन्वर्सेशन होती है बहुत प्यारी सी, और उसमें दिखता है कि जटायु जी ने अपने प्राण को सैक्रिफाइस किया है सीता जी के लिए। भाई इसमें क्या दिख रहा है, क्या इमोशन है? सीता मेरी पुत्र वधु समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। रामानंद सागर जी के रामायण थी ना, तुम देखोगे ना एक इमोशन कनेक्ट होगा यार, कि जब रावण सीता जी को अगवा करके ले जाता है, राम जी को पता नहीं चलता कि कहाँ गई है सीता, फिर सीता को ढूंढते हुए वो इधर बदर भटकते हैं, फूलों से पेड़ों से हर जगह पूछते रहते हैं कि क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है। राम और सीता दो कहाँ हैं, एक ही है। ये है उनका प्यार, ये है इमोशन, ये क्या इमोशन दिखा रहे हो उसमें तुम। इन्होंने पता नहीं कौन से चोर बाजार से उठाए हुए बुक की रामायण छाप दी है। और इस सीन में जब राम जी ने देख ही लिया था सीता जी को, तो जटायु वाले सीन की फिर जरूरत ही नहीं थी। माता सबरी वाला सीन देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सक रही हूँ यार। मैं कह रही हूँ मैं इस रामायण के बाद ना अभी रामानंद सागर जी वाला रामायण लगाने वाली हूँ टीवी में। पता है जब राम जी और सबरी की मुलाकात होती है ना, इतना प्यारा सीन है वो। मतलब सबरी ना यंग से लेकर ओल्ड तक होने तक हर दिन वो राहों में फूल बिछाती थी कि जब मेरे राम जी आएंगे तो उस फूल पे चढ़ के आएंगे, बैठ चक चक कर रखती थी। यहाँ दिखाया गया है कि सबरी राम जी और लक्ष्मण जी वो कैंप फायर जला के वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, और इधर से सबरी जी आगे चलती हुई कि अरे आप लोग यहाँ पे मार्शमैलो सेक रहे हो, लो मेरे बैर खाओ भाई। लक्ष्मण जी क्वेश्चन कर रहे हैं हनुमान जी से उनका ज्ञान जांच करने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे हैं फेसबुक व्हाट्सएप वाले? 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं फिर भी वो स्वस्थ है, कैसे? यार हनुमान जी वेदों के ज्ञानी थे, महान ज्ञानी से तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो? सुग्रीव और बाली की लड़ाई हो रही है, ये टेम्पल रन का ना बिल्कुल फर्स्ट वाला वर्जन जो आया था ना वो लग रहा है। बिल्कुल डायलॉग क्या है लक्ष्मण जी की, सुग्रीव तो फिसड्डी निकला, हमें बाली की तरफ जाना चाहिए था, फिसड्डी फिसड्डी वर्ड भी था उस टाइम में। सुग्रीव और बाली की लड़ाई में बिल्कुल एक सीन ही खा लिया है यार इन लोगों ने। इस पूरी मूवी में पता है क्या है, प्लैनेट ऑफ एप्स देखना है डाल दो, हैरी पॉटर देखना है डाल दो, गेम ऑफ थ्रोन्स देखना है अरे वो भी डाल दो, रामायण देखने आए हो अजी वो तो नहीं मिलेगा। रामायण में हमने देखा था कि सुग्रीव और बाली दोनों एकदम डिट्टो एक जैसे दिखते थे, तो ना राम जी पहचान नहीं पाए थे कि कौन सा सुग्रीव है। तो सुग्रीव ना वापस से मार खा के राम जी के पास आया था कि आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, तो उन्होंने बोला कि यार तुम दोनों ही सेम दिखते हो, मैं फूलों की माला पहन के जाते हैं सुग्रीव, ठीक है वापस लड़ने के लिए, तब बाण चलाते हैं राम जी। पर इसमें ये पूरा सीन ही खा लिया है। डबल डेकर बस देखी है, वही है, नहीं आ पा रहे थे रावण के सारे सर एक एक स्क्रीन में एक लाइन में। मूवी के मेकर्स इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा लंकापति रावण के पास इतना सोना आएगा कहाँ से, कॉपर का होगा, रस्ट लग गया भाई लंका में, पूरी लंका काली हो गई, काली हुई तो हुई, बेचारा गरीब है पैसों की जरूरत पड़ती है उसे भी, इसलिए वो लोहार बन गया। इससे ज्यादा क्रिएटिविटी मिलेगी ही नहीं, रावण से हथौड़ा चलवा रहे हैं वेल्डिंग का काम करवा के। इस सीन में हनुमान जी को इतना डरा सहमा दिखाया गया है ना, ये देखो ये हमारे हनुमान जी नहीं है भाई, वो इतने बलशाली है ना, उनका अभी भी नाम ले लो तो तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाती है। ये रहा वो एपिक डायलॉग जिसके बारे में हर जगह चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अफसोस मेकर्स ने ये डायलॉग भी एक सत्संग से उठाया है। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। मगर इतनी ज्यादा भी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी थी कि प्रणाम करने की जगह ये कर रहे, ये क्या है भाई। इस सीन में क्या होता है ना कि हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तब वो इन्फॉर्म करते हैं सबको कि हाँ सीता जी वहीं है लंका में है, तब सब लोग डिसीजन लेते हैं लंका जाने। इसमें क्या हुआ, हाँ ठीक है दिखाया है कि पुल बना है हनुमान जी के आने के बाद, लेकिन पुल बनाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, मतलब भाई जान तो जाओ कि वहाँ सीता जी है भी या नहीं।
इस वाले सीन में भी क्या होता है कि राम जी दो बार बोलते हैं समुद्र देवता को कि हे समुद्र देवता आ जाओ नहीं आते हैं। दो बार बोलने पे नहीं आते हैं, ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं। भाई यार राम जी को इसमें कितना एग्रेसिव दिखाया गया है, इतना ज्यादा गुस्से वाले नहीं थे राम जी। यहाँ पर विभीषण आते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये औरत कौन है विभीषण के साथ में, उसकी लुगाई क्या कर रही है यहाँ पे, और ये क्या ड्रेसिंग सेंस है यार, क्यों पाप ले रहे हो रामायण में ये सब दिखा के। मैं बिल्कुल शॉक नहीं होती अगर इस औरत से मूवी मेकर्स एक आइटम नंबर में नचवा लेते हैं। राम जी को महान दिखाने के लिए ये वाला सीन डाला गया है। बात बताओ ये वाला सीन यहाँ डालने की जरूरत ही क्या थी। ये देखो ये भी पूरा का पूरा सीन कॉपी है यार हॉलीवुड से, फ्लैश बन गया है इंद्रजीत। इस वाले सीन में इंद्रजीत कहता है मेरे एक नाग ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, और ये भी कि अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। यार वो कलयुग नहीं था, इतनी बेइज्जती नहीं चलती थी वहाँ पे, इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं चलता था। अरे रामायण के स्टोरी में जब लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है, एक वैद्य को लाया जाता है हनुमान जी के द्वारा। वो वैद्य बताते हैं कि संजीवनी बूटी चाहिए होगी लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए, लेकिन इन्होंने सोचा इतना लंबा क्यों खींचना, जो वो आई है विभीषण के साथ में वो औरत ये कब काम आएगी, इसी से बुलवा दिया कि संजीवनी बूटी लाओ और लक्ष्मण जी को ठीक कर दो। रामायण में ये दिखाया गया था कि हनुमान जी पहचान नहीं पाते हैं संजीवनी बूटी को, इसलिए वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर लाते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि हनुमान जी सोचते हैं अरे संजीवनी बूटी की जरूरत तो सबको पड़ेगी, तो चलो पूरा पहाड़ ही लेकर चलता हूँ, संजीवनी बूटी सबको पिलाई जा रही है। भाई अब रावण पूरे दिन लोहार का काम कर थक जाता होगा, इसलिए यहाँ पे एनाकोंडा मसाज चल रही है। भाई युद्ध के बीच में रावण ले रहा है एनाकोंडा मसाज, ये सीन इतना कार्टूनिश लग रहा है, इतना ज्यादा ना, इससे तो अच्छा तुम कार्टून ही बना देते यार। इंद्रजीत को क्या पालिका बाजार से टैटू करवा के लायो, कुंभकर्ण का इतना छोटू सा रोल है ना, ये कुंभकर्ण आया ये राम जी ने तीर उठाया मारा और बस कहानी खत्म। इस लास्ट सीन में जहाँ पे रावण मरता है, इसमें विभीषण का इतना बड़ा रोल था कि अगर वो नहीं होता तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि रावण की वीकनेस क्या है। इस पूरे सीन में वो स्टोरी ही खाली है यार। रामायण में क्या था कि रावण इसलिए नहीं मर पाता था क्योंकि उसकी जो नाभि है उसमें अमृत छुपा के रखा था उसने, ये बात विभीषण को पता थी, विभीषण ने बताई, अगर वो नहीं बताता तो कभी किसी को पता नहीं चलता। तब राम जी ने उसकी नाभि में तीर चलाया और अमृत सुखा दिया, इस वजह से रावण को मार पाना आसान हुआ, वरना वो कभी नहीं मरता। लास्ट सीन में क्या दिखाया गया है कि हनुमान जी के ऊपर राम जी बैठे, तीर चलाया, बस खत्म, रावण का काम खत्म। इतना आसान था उसको मारना, तो फिर यार ये पूरी मूवी क्यों है। स्टार्टिंग में जब वो चमगादड़ पर बैठ के सीता मैया को ले जा रहा था ना रावण, तभी राम जी चलाते बाण उसके पेट में, मर जाता। पुष्पक विमान और हनुमान जी के बीच हुई भयंकर युद्ध, जिसमें बेचारे पुष्पक विमान की हो गई मृत्यु। पूरी मूवी में फाइट 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 पूरी मूवी में यार। एक बात बताना जरा, जब वो पुष्पक विमान मर गया, ये कौन सा पुष्पक विमान है भाई, मूवी थिएटर में बहुत दूर की बात है, टीवी में देखने लायक भी नहीं है। एक सीन में ना रावण को वो मीट खिलाता हुआ दिखा रहे हैं पुष्पक विमान को, बहुत ही अपमानजनक सीन है, क्योंकि जो रावण थे ना वो ब्राह्मण थे, वो मीट क्यों खिलाएंगे यार किसी को, जरा सिंपल सी बात है सोचो। रावण मरने लगता है तो वो राम कह के मरता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। लक्ष्मण जी का तो मैं क्या ही कहूँ, उनका तो कोई सीन ही नहीं है यार। स्वैग वाला डायलॉग होता था वो, जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाया था उसमें क्या डायलॉग थे यार लक्ष्मण जी के, इसमें कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो डबल डेकर सर बनाया गया है ना रावण का, ये आपस में निकलते हैं, आपस में मीटिंग कर लेते हैं। अब मुझे समझ में आया कि रावण की सभा क्यों नहीं दिखाई गई थी, क्योंकि उसकी सभा तो वो सर में लेके घूमता है, इधर इधर से निकलता है, सब आपस में डिस्कशन कर लेते हैं आगे रिजल्ट पे। ये है असली रामायण यार, मूवी में इतनी टपोरी लैंग्वेज दी है ना सारे कैरेक्टर्स को, आज के यूथ कनेक्ट कर पाए इसलिए आज के यूथ वाले डायलॉग्स दिए गए हैं। डायलॉग राइटर ने ये भी बोला है कि अगर हम संस्कृत में डायलॉग्स देते तो आज के यूथ कैसे समझ पाती, अगर हम भ्राताश्री वाले लैंग्वेज का यूज करते तो हमारी यूथ कनेक्ट नहीं कर पाती, समझ ही नहीं पाती। वाह, रामानंद सागर जी की रामायण है ये भी तो आज के युग में ही बनी है ना, त्रेता युग में तो बन के आए नहीं है, इतने बेवकूफ भी नहीं है आज के यूथ वाले कि लैंग्वेज ही नहीं समझे। अपनी लैंग्वेज यार, अपनी लैंग्वेज, संस्कृत अपनी लैंग्वेज है, हिंदी अपनी लैंग्वेज है, वो नहीं समझेंगे लोग, ये टपोरी लैंग्वेज समझ जाएंगे।
और अगर आपको लगता है कि रामानंद सागर जी की रामायण बहुत बार देख ली है आप लोगों ने, योगो साबू जी की रामायण भी यहाँ पे हाजिर है। तो जहर मैंने पिया है इस वीडियो के लिए, आप ना पिए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री राम।